Foundation Advocate, Mrs. Rubina Akhtar Hassan Rizvi Ma'am. Once again, welcome everybody to this fabulous day, fabulous press conference. You were really patient. Thank you so much once again. And as I already said, keep on wearing this beautiful smile. You look fabulous with that. Thank you so much. Now we are officially starting this event. Thank you so much, as I said before. Of this marathon occasion, who is join us as ambassador. Since marathon is a sports event, we have invited her specially and we are honored with her presence. I welcome everyone from the media and thankful to them to cover this event and know in detail about the marathon, which is the fourth edition. I also welcome those guests present here. All the minute details of the marathon, right from the inception, have been worked out by Advocate Rubina Akhtar Sanjeevi. I am sure she will explain in detail the beginning of the event and the past events, the success of the past events. And we welcome all of you. And welcome you all. On behalf of Help Yourself Foundation and Rizvi Education Society, I welcome you all. It's very nice today to see so much of media crowd. वैसे ऐसे charity events में बहुत कम देखा जाता है आजकल. फिल्मी events में बहुत सारी media देखी जाती है, but यहाँ पर आप अपना सहयोग देने के लिए आए हैं. Thank you so much for it. जैसे आप से कहा जा रहा है और हम कह रहे हैं, हमने प्रेस में भी दिया, ये एक फोर्थ एडिशन है साकेत रिजवी मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस मैराथन का. ये मैराथन सिर्फ रनर्स, एथलीट्स या सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई है इन दो महीनों में. जून वैसे तो साल के 12 महीने हैं. कैंसर सोसाइटीज़ ने हर महीने को डिवाइड कर दिया है. जैसे अक्टूबर को हम ले लें तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस होता है, बट जून जब हमने चुना तो दैट इज़ द कैंसर अवेयरनेस मंथ. अपार्ट फ्रॉम हैविंग दिस मैराथन, द होल रिजवी एजुकेशन सोसाइटी, हमारी पीआर जो हंक मीडिया है, रिजवी एजुकेशन सोसाइटी है, हमारी कोर टीम है, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं. पूरे 2 महीने से हम बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस मैराथन. काफ़ी कुछ है कहने के लिए, काफ़ी कुछ है बताने के लिए. आई एम श्योर पॉजिटिव सवाल होंगे और पॉजिटिव जवाब होंगे. बिकॉज संयम रखिए और आराम से सवाल कीजिए, हिंदी में बोलिए ताकि ड्यूटी मैम आपके सवालों का जवाब दे सके. और ये एक सोशल कॉज है, पॉलिटिकल ना बनाइए और पॉलिटिकल सवाल ना कीजिए. बिकॉज हमने एक एम्बेसडर को बुलाया है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है. आज वो कॉमनवेल्थ गेम में जा रही हैं, हम दुआ करेंगे कि वो वहाँ पर भी इंडिया का नाम रोशन करें. सो आप उनको पोर्ट्रेट कीजिए. हम बहुत लकी हैं इस बार क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजर आई एम अ वुमेन, एज अ पीआर आई हैव अ वुमेन, एज एन एम्बेसडर आई हैव अ वुमेन. So it's something very great and very fortunate this time that the women are leading, and this is a signature statement for all the women. Join me in this cause, because this cause is more or less for the women. I am fighting with. मुझे ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मैं भी एक यात्रा करूँ. अरे जो मैराथन कर रहे हैं, 3 केम से लेके 21 केम तक, काफ़ी बच्चों ने इसमें हिस्सा लेंगे, काफ़ी लोगों ने इसमें हिस्सा लेंगे. और पहले मैं भी एक मैराथन रनर थी, मैंने इसमें मैक्सिमम 21 किलोमीटर कवर किया है. उड़ीसा में से हो रहा था बीच पटना मैराथन, ओम्स मैराथन,
टाटा स्टील मैराथन, बहुत सारे ऐसे मैराथन में भाग लिया मैंने और मेडल भी हासिल किया, मैंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। मैराथन भागना का इतना आसान नहीं है, सुनने के तो आसान लगता है, हाँ ठीक है कवर हो जाएगा, लेकिन जब शुरुआत करते तो 200-300 मैक्सिमम 1 किलोमीटर स्पीड में चला जाता है, बट इसके बाद फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। इसलिए ज़्यादा एंड्योरेंस की ज़रूरत होता है, जो कंटिन्यूस रनिंग करता है, जो ट्रेनिंग करते हैं, इनका ही एंड्योरेंस पावर बढ़ता है, बाहर बढ़ने से ही आप ज़्यादा लॉन्ग भाग सकते हैं। और मैराथन भागने से दो फायदा होता है, एक तो तबीयत अच्छा रहता है, ज़्यादा फैट नहीं आता है कभी बॉडी में, ज़्यादा जिम की जाने की ज़रूरत भी नहीं है, और ज़्यादा ताकत भी आता है बॉडी में, एंड्योरेंस पावर बढ़ता है, जिसमें ज़्यादा जल्दी बॉडी थकता भी नहीं। फिर मैंने किया है, इसलिए मैंने फिर किया है। फिर मैराथन से धीरे धीरे मैंने शॉर्ट डिस्टेंस को आ गया, पहले मैराथन के बाद मैंने 815 से किया, 815 से फिर 400 किया, 400 से 200, अभी 100 कर रहा हूँ, और लगातार 6 साल से अभी नेशनल की नंबर 1 बनी रही हूँ मैं अभी, और काफ़ी इंटरनेशनल में मेडल भी हासिल किया मैंने। और सबसे बड़ा बात है कि मेरा खुद का रिकॉर्ड जो है 11-3-1 से शुरू करके अब 11-1-7 तक लाया, मैंने 10 बार तोड़ दी थी, इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी बड़ा बड़ा टूर्नामेंट में भाग लिया मैंने, जैसे रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, साउथ एशियन गेम, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, बहुत काफ़ी टूर्नामेंट में भाग लिया कि देश के लिए मेडल भी हासिल किया मैंने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पहली भारतीय महिला के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया था मैंने, एशियन गेम में 2 सिल्वर मेडल और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 4 ब्रॉन्ज मेडल, काफ़ी मेडल भी जीता मैंने। और बच्चों को मैं नहीं कहूँगी कि लाइफ में, आजकल पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ाई करो, हम पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी के लिए जानकारी के लिए हमको एजुकेटेड रहना चाहिए, और एजुकेटेड रहने के लिए हमको अच्छा कॉलेज में, अच्छा स्कूल में पढ़ाई करना ज़रूरी है, और पढ़ाई के साथ साथ हमको स्पोर्ट्स में भी कॉन्सेंट्रेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स करेंगे तो तबीयत ठीक रहेगा, जब तबीयत हेल्थी रहेगा, जैसे मैडम बोलते हैं, हम जब खुद ही हेल्थी ठीक रख पाएंगे तो फिर बाकी का ख्याल हम रख सकते हैं, तो इसलिए हमारा बॉडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हेल्थ ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हेल्थ को फिट रखने के लिए हमको कसरत की, मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत हम तो हमेशा हर दिन नहीं कर सकते स्पोर्ट्स पर्सन की तरह, इसलिए हमको कभी कभी मैराथन की तरह हो, कभी कुछ काम में ऐसे करके हमको हेल्थ रखना पड़ेगा, नहीं तो हर दिन हमको 20 या 30 मिनट हमको देना पड़ेगा कसरत जिम करने के लिए। फाउंडेड इन द ईयर 1982, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक एक्सीलेंस and the cultural advantage, Rizvi Trust, Rizvi Colleges are known for getting awards and promoting sports. Sports also we equally give importance, because there is general impression among the parents that you are going to the college, you study, and you don't waste your time actually in sports. But I'm of the firm opinion, and I'm sure everyone will agree, that sports is no more waste of time. It's a career. You make name, you make fame. So as with academic degrees, the students get the advantage of progress in life, the sports also bring them on the top of the world. Rizvi Colleges and Rizvi Sports Club have produced test players, Ranji Trophy players, and bright students who have taken part in sports is the hockey, football, and many other games. I am happy to announce, you have asked this question, otherwise it would have been irrelevant, that you all have been invited and we are talking about ourselves. In cricket, we have been winning junior college and degree college. Apart from that, our school, which is well known, since last 15 years, Rizvi Sports Club, Rizvi Colleges, Rizvi Schools have been achieving the best result, and we are number one insofar as hockey is concerned, finalist,
in so far as football is concerned. We are finalists. And there are many sports . So the whole idea was to start this initiative. Like we are promoting sports, we are also promoting in the athletic field. I am president of Athletic Association of Mumbai. And athletes also have a good privilege. It has got a great advantage. Taking lessons from that, and in the interest of students and public, Madam Rubina Rizvi has taken the initiative to start this marathon, which is not only, as our ambassador has explained, used advantage in health, but also it's a sort of a lesson to others and inspiration for others that you gain from this, and we are successful, and thank you very much actually for putting this question. कलाजी से पढ़ाई होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम भी होता है और इसके साथ स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि आजकल जितने सारे इंटरेस्ट लेवल में खेलते हैं सारे बच्चों स्टूडेंट बनते हैं और कॉलेज ही इनको सिलेक्ट किया जाता है पहले। तो हर कॉलेज में हर इंस्टीट्यूट ऐसे स्पोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हमारा देश तो उम्मीद रखा है कि ओलंपिक में कब मेडल आएगा, तो वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अभी देखो 2016 में जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन आज टोक्यो ओलंपिक में देखो काफ़ी बच्चों ने मेडल हासिल किया है। तो ऐसे कॉलेज वाला जो सपोर्ट कर रहे स्पोर्ट्स को, तो बहुत काफ़ी अच्छा होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि हर बच्चा तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन सब पढ़ाई में सक्सेसफुल होंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसके जिसके पास टैलेंट, जैसे मेरे जैसे मेरे अंदर में टैलेंट था, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन किया मैंने। तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिसके पास टैलेंट है, तो इसी इसी कॉलेज में जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, यहाँ पे अच्छा पोस्ट पर्सन के निकलते हैं। तो ऐसे ही कॉलेज के बारे में जो मुझे बताया उन्होंने, तो काफ़ी इंटरेस्ट से बच्चे इसी कॉलेज में बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा वाला करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर में। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि रिजवी स्पोर्ट्स क्लब, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस क्लब टोटल 20-21 गेम्स खेलते हैं। सो रिजवी स्पोर्ट्स का बहुत नाम है, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं रिजवी ने, तो हमेशा ही रिजवी स्पोर्ट्स में आगे रहा और इंशाल्लाह और हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैराथन इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्पोर्ट्स जो है ना, वो रनिंग से जुड़े हैं। अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो वार्म अप के लिए हमारा कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। अगर हमें जूडो करना है तो वार्म अप के लिए कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। सो आई बिलीव इट इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स। सो मैराथन इज़ नॉट ओनली जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू लिव अ हेल्दी लाइफ। मैराथन को स्टार्ट करना वॉज नॉट ईजी, इट वॉज ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग, बट जैसे हमने हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी जो खुद बहुत इनिशिएटिव लेते हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, पर्सनल हो या माइनॉरिटी एजुकेशन के जरिए, बहुत लोगों की वो मदद करते हैं। मगर जब हम नहीं रहेंगे तो ये मदद का कारवां कैसा चलेगा? तो हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन इसीलिए बना ताकि हम रहे ना रहें ये मदद का कारवां चलता रहे। सो इसीलिए ये हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन इन एग्जिस्टेंस आया। मगर मैराथन को लाना भी एक वजह थी। जब मैं लोगों को चैरिटी के लिए कह रही थी, कैंसर अवेयरनेस के लिए बुला रही थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों तक रीच करना और अपनी बातें पहुंचाना या एक्सप्रेस करना। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स तो है ही ना, मगर हॉस्पिटल्स कहाँ तक जाएंगे? दे कैन नॉट गो डोर टू डोर एंड मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कैंसर डिजीज विच इज़ कम अप, एंड हर आठ में से एक औरत को आज हो रहा है।
तो जब हम मैराथन करते हैं तो हमारे मैराथन के जरिए हम बार बार इस्तेमाल करते हैं साकेब रिजवी कैंसर अवेयरनेस मैराथन, उससे जुड़िए। आप देखेंगे कि मेरा स्लोगन रहता है, आपने जो टिकट्स खरीदी हैं, जो रजिस्ट्रेशन किया है, हर पैसा वो चैरिटी में जाता है, बिकॉज रिजवी चैरिटी करता है, रिजवी को चैरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ईच पेनी दैट यू गिव वी सी टू इट। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, कीमोथेरेपीज हो जाती है, कल अगर आप ग्राउंड पर रहेंगे तो आप खुद उनसे मिलेंगे। सो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि वैसे रिजवी को अगर मैराथन कराना है तो रिजवी का 10,000 स्टाफ इंक्लूडिंग बच्चे, बच्चे और स्टाफ मिला के 10 से 12,000 है। ये सिर्फ हम मुंबई की बात कर रहे हैं, तो अगर इलाहाबाद जौनपुर करारी की बात करें तो आई एम श्योर BKC के 4 ग्राउंड लेने पड़ेंगे मुझे, बट बाहर के रजिस्ट्रेशन हम ओपन करते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम आवर पीपल आई वॉन्ट ऑल अराउंड इंडिया टू नो इट, टू डू इट एंड टू गेट इट ओवर। वेटिंग फॉर इट। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैम किसी भी इवेंट को बढ़ाने के लिए आपने किसी सिनेमा वालों को क्यों नहीं बुलाया, फिल्मी लोगों को बुलाइए, फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया छापती है, फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया लिखती है, फिल्मी लोगों को बुलाने के लिए आपका इवेंट बड़ा हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग इट फॉर अ कॉज, और मैराथन एक स्पोर्ट्स इवेंट है। अगर मैं स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को नहीं बुलाती हूँ और फिल्मी लोगों को बुलाती हूँ तो वो कितना स्पोर्ट्स से कनेक्ट हो पाएंगे ये मुझे नहीं पता। इसीलिए मेरी फर्स्ट चॉइस, अगर मैं स्पोर्ट्स इवेंट कर, मैं फिल्मी इवेंट भी ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप ज़रूर देखेंगे कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि रिजवी फिल्म प्रोडक्शन आने वाला है बहुत जल्दी, जिसके लिए ज़रूर मैं आप लोगों को इन्वाइट करना चाहूँगी। अख्तर रिजवी फिल्म्स प्रोडक्शन एंड अख्तर रिजवी फिल्म्स एंड रूमी प्रोडक्शन इज़ ऑन द फ्लोर, तो ज़रूर वो फिल्मी दुनिया के लोग भी मुझसे ज़रूर जल्दी जुड़ेंगे। मगर ये एक स्पोर्ट्स इवेंट था और हम एक महिला एथलीट ढूंढ रहे थे, क्योंकि ड्यूटी मैम कॉमनवेल्थ में जाने वाली हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, तो मुझे मैं चाहती थी कि दिल से और सिंसियरली वो हमें ज्वाइन करें, एंड इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू अप्रोच हर। It was a humbleness that just with one request. वैसे आप देख वैसे मेरा experience आया है, जब भी मैंने किसी खिलाड़ी को approach किया है मेरे लिए बहुत आसान हो गया। पहली बार हमने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं मिस्टर आमिर, उनके साथ हमने एम्स में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमने अपने आप को रजिस्टर किया है, और फिर हमें ये पता चला कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर को रेस कहते हैं, मैराथन नहीं। मैराथन करने के लिए हाफ मैराथन होना ज़रूरी है, दैट इज़ 21K। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम इस बार पहली बार 21K करेंगे, फिर इंशाल्लाह फुल मैराथन करेंगे। सो इट वाज इजी फॉर मी, मगर जैसे ही हमने लास्ट 3 मैराथन में 2 मैराथन्स में कैटेगरीज रखी थी, क्योंकि महिलाएं भी दौड़ती हैं, भले ही वो मर्दों से फास्ट नहीं दौड़ती होंगी मगर मर्दों से फास्ट भी एक दौड़ती है। सो इसीलिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और हमने कैटेगरी, क्योंकि कहते हैं ना कि कैटेगरी इसीलिए क्योंकि एक छोटा बच्चा, जैसे मैंने ओपन मैराथन रखा है, कोई कैटेगरी नहीं रखी है, तो बच्चों को हम कम, क्योंकि ये एक रिजवी का एक मैराथन है जहाँ पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ते हैं, तो उनको कैटेगरी वाइज हम अवार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि रिजवी को सबको खुश करना है। वैसे आई डू रिस्पेक्ट द मेल्स, बिकॉज मेल आई डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी में एक अलग किस्म की कुव्वत होती है जिसे अल्लाह पाक ने दिया है, सो उसे हम डिस्टर्ब नहीं करके, उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं बनकर अगर हम कंपेनियंस बने रहें तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी, डू नॉट हिट द मेल ईगो,
and do not try to be the competitor. Just be companions to them. It's going to be always easy. Yeah, because God has given them that prestige. Let it be there. So मेरे लिए तो यही है. But जब मैंने marathon का decision लिया and I met a company. I will not name them. It was just 2 months and they told me के madam 2 महीने हम तो बड़ा बड़ा marathon करते हैं. आप कैसे कर पाएंगी? भले ही आपके पास रिजवी का स्टाफ हो, वो तो टीचर्स हैं, नाइव है बहुत. सिर्फ टीचर्स की टीम को लेके आपको मैराथन करना है. मैराथन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, साल भर लगते हैं, उसके मेडल्स बनाने पड़ते हैं, टी शर्ट बनाने पड़ते हैं, बहुत कुछ. बहुत डीमोरलाइजेशन मुझे फील हुआ कि आप तो एक महिला हैं, यू नो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं. तो आई सेड कम अगेन. बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है, आई सेड कम अगेन. उसके पहले क्या कहा आपने? बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे नहीं, उसके पहले क्या कहा? तो बोले मैंने कहा कि महिला. आई सेड सर अगर महिला मर्दों से डरती तो मर्दों को पैदा ही नहीं करती. हम चांद पे पहुंच गए फिर भी आप हमारे एम्पावरमेंट की बातें करते हैं. ठीक है, आप उठिए और जाइए. मैं आपको मैराथन के दिन मिलूंगी और इंशाल्लाह आप ही फ्लैग होस्ट करें, तो फ्लैग ऑफ करें. तो साहब चले गए. बट मेरे लिए भी एक चैलेंज था. और शायद जिन लोगों ने देखा है रिजवी फर्स्ट मैराथन, वो इस बात के गवाह हैं. यूट्यूब इस बात का गवाह है. आप ज़रूर घर जाइए और देखिए कि एक महिला होने के बावजूद, और ये आप कहते हैं ना नाइव टीचर्स, टीचर्स नाइव नहीं होती, वो दी टीचर्स होती हैं. आज मैं एक लॉयर हूँ तो अपने उस्ताद की वजह से, आज आप प्रेस हैं तो आप अपने उस्ताद की वजह से. तो उस्तादों का एक अपना मर्तबा होता है. तो उनको लेकर ही मैंने फर्स्ट मैराथन किया जिसमें आई थिंक सो मोर देन, तभी भी 5000 लोग थे. सेकंड किया तो भी बहुत लोग थे. थर्ड तो ऑनलाइन था तो भी बहुत लोग थे, बहुत लोग ऑनलाइन जुड़े. अब फोर्थ में तो आप खुद ही गए. मैराथन में मैंने बहुत कामयाबी हासिल की. तीसरा मैराथन क्योंकि मैं कर नहीं पाई, ऑनलाइन था. तो आप सबको बता दूँ कि हमने कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज़ किया है, थर्ड मैराथन में, जो कि रिजवी कॉलेज के अंदर इसी प्रमाइसिस में ऑनलाइन था. बहुत दिग्गज लोग जुड़े थे फ्रॉम ऑल दी वॉक्स ऑफ लाइफ, अफगानिस्तान एम्बेसडर से लेके पॉलिटिशियंस से लेके पुलिस सब जुड़ी थी हमारे साथ में उसको इनॉग्रेट करने के लिए. राज ठाकरे जी की वाइफ खुद शर्मिला ठाकरे जी आई थी उस एम्बुलेंस को इनॉग्रेट करने के लिए. सो इट वॉज़ अ गुड इनिशिएटिव क्योंकि कैंसर अवेयरनेस पे हम रिसर्च करते रहते हैं. और कोरोना के वक्त वैसे भी हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन जो एक रिजवी ग्रुप का इनिशिएटिव है, बहुत कुछ कर चुका था. राशन बांटने से लेकर लोगों की घर घर जाके मदद करने से लेकर हमने बहुत कुछ कर दिया था. बट उस दौरान मैं ये देख रही थी कि एम्बुलेंस की काफ़ी दिक्कत थी, स्पेशली कार्डियक एम्बुलेंस की. Cardiac ambulance was not easily available. When Dr. Rizvi was hospitalized that time, not with corona, but with a minor heart attack, that time मुझे एक से डेढ़ घंटा लगा cardiac ambulance arrange करने के लिए. तो जैसे ही Dr. Rizvi साहब hospital से आए, हम दोनों का एक ही stand था कि हम कुछ नहीं करेंगे, इस बार हम fully equipped cardiac ambulance रिलीज करेंगे. और वो उसी दिन होगा कैंसर अवेयरनेस डे के दिन, जो होता है 4 फरवरी को. मगर इस बार मैं 4 फरवरी को नहीं कर पाई क्योंकि कोरोना के पेंडेमिक के वजह से गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिली. बट जैसे ही मुझे परमिशन मिली, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि अपार्ट फ्रॉम मैराथन, अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट, हम कैंसर अवेयरनेस की बातें करते हैं. तो आपको बता दूँ कि अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट हैज़ बिकम अ फंड रेजिंग इवेंट, जहाँ पर रिजवी एजुकेशन सोसाइटी, रिजवी बिल्डर्स, द होल रिजवी ग्रुप विद हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन हैज कम अप विद एन इनिशिएटिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ बस विच इज़ नोन एज कैंसर स्क्रीनिंग बस. इसीलिए बहुत सारी कैंसर स्क्रीनिंग बस है, टाटा वालों के पास है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने, एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट्स ने इंट्रोड्यूस किया है. गवर्नमेंट तरफ से जितने सारे स्कीम है, चाहे फिट इंडिया हो, खेलो इंडिया स्कीम हो, ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, साइंस स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग सेंटर हो, जितने सारे स्कीम है, वो सारी बच्चा खुद का टैलेंट दिखाने के बाद इनको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है. लेकिन ये जो रूरल एरिया में जो कॉम्पिटिशन होता है, जैसे मैराथन हो रहा है या कुछ छोटा मोटा कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसी में बच्चा टैलेंट हम ढूंढते हैं.
इसके अंदर टैलेंट है, इसको ढूंढ के निकालते हैं, फिर बस इसके पास टैलेंट होने के बाद इसको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जितने स्कीम में इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं भी बचपन में जब मैं स्कूल लेवल में रनिंग कर रही थी, मेरे पास टैलेंट था, लेकिन किसको पता नहीं चला था कि किसके पास टैलेंट है करके। स्कूल लेवल में जब मैं क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री में अच्छा प्रदर्शन किया, मेरे साल भर प्रदर्शन अच्छा करके चैंपियन बन गई। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट का सेक्टर से मेरे को सारा सपोर्ट मिला, फिर मैंने आज मेरी इतना बड़ी एथलीट बन पाई। तो ऐसे कॉलेज तरफ से जो मैराथन हो रहा है, स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, देखो हर चीज़ को हमें प्रमोट करते हैं, पढ़ाई में एक लाखों रुपया खर्चे करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के में पढ़ाई से ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन स्पोर्ट्स में ज़्यादा खर्च होता है खुद का डाइट के ऊपर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर, और जाना आना बाहर कंट्री का जो ट्रेनिंग सेंटर जाना, कॉम्पिटिशन लड़ना, बहुत पैसा खर्च होता है, खुद का फिजियोथेरेपी रखना, कोचेस रखना, तो ये सारा एक एथलीट बियर खुद नहीं कर पाते। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो अनुष्ठान होते हैं वो प्रोवाइड करते, सपोर्ट करते हैं, इनके वजह आज बहुत सारे एथलीट देश विदेश में नाम कर रहे हैं। जैसे मेरे को मेरे जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करो के आई यूनिवर्सिटी, वो मुझे 7 साल से मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो काफ़ी ये इस कॉलेज का अनुष्ठान भी, फाउंडेशन भी बहुत काफ़ी बच्चों को सपोर्ट किया है। मेरे आने के टाइम में तो बोल रहे थे, सुना मैंने कि काफ़ी क्रिकेट लोग इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कॉलेज से बिलोंग कर रहे हैं, बहुत काफ़ी बच्चों भी हॉकी से लेके, जूडो से लेकर काफ़ी बच्चे इधर सपोर्ट मिल रहे हैं इनको। तो इनके वजह आज देश में बहुत सारे इंटरनेशनल बच्चा मिला है और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान है जो कोर्स को प्रमोट करेंगे तो काफ़ी बच्चे आएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। So, कुछ लाइन्स मैं इसकी गाता हूँ, एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू सिंग दीज लिरिक्स विद मी। रेडी? खून का कतरा कतरा बोले, चल उठ जा कुछ करके दिखा। टुगेदर। खून का कतरा कतरा बोले, चल उठ जा कुछ करके दिखा। कैंसर को हम जड़ से मिटाएं, रिस भी मैराथन का पैगाम। खून का कतरा कतरा बोले, चल उठ जा कुछ करके दिखा। कैंसर को मिलकर हम हराएं, रिस भी मैराथन का पैगाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पूरा गाना ट्रैक के साथ सुनेंगे तो और जोश आएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू नो गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इट्स एन ऑनर। थैंक यू।